नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजीव, मैं आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बीमारी की, जिसके काफ़ी केसेस आते हैं बट इसके बारे में लोग ठीक से जानते नहीं हैं, जिसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस तो वैसे इसका बड़ा डिफरेंट सा नाम है, जिसको समझाना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा काम होगा। मैं इसको सरल बनाने के लिए, बेसिकली इंसान को लगता है वो बीमार है जबकि एक्चुअली वो बीमार नहीं है, और लगता है कि उसको कोई बड़ी बीमारी है जो जानलेवा है, जैसे टीबी है या एड्स है या ब्रेन ट्यूमर है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए वो बार बार जांच कराता है। जब वो जांच कराता है तो बिल्कुल नॉर्मल आती है और फिर भी उसकी तसल्ली नहीं होती, या थोड़े दिन के लिए तसल्ली हो जाती है, उसके बाद वो दोबारा जांच कराता है, फिर वो नॉर्मल आती है। अगर यही पैटर्न 6 महीने से ज़्यादा चलता है तो इसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस। उसको लगता है, कई बार लगता है दिल में कुछ हो जाएगा, फिर वो डर अगर ख़त्म हो जाएगा तो उसको लगेगा कि मेरे दिमाग में कुछ हो जाएगा, वो डर ख़त्म हो जाएगा तो मेरे पेट में कुछ हो जाएगा। और ऐसे ना जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर शॉपिंग बहुत करते हैं, मतलब क्योंकि वो किसी भी डॉक्टर से सेटिस्फाई नहीं हो पाते, और कहीं ना कहीं उनका मन और मन में होता है कि ये हमारी बात नहीं समझ पाए, या उनकी एक ही ध्येय होती है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन करा दी जाए। और ऐसे पेशेंट्स बहुत एजुकेटेड भी होते हैं, मतलब वो गूगल पे प्रॉपर सर्च करके आते हैं, कभी कभार प्रिंटआउट्स भी लेके आते हैं, बाकायदा मेडिकल बुक्स पढ़ के आते हैं, तो उनका जो तरीका होता है वो प्रेजेंटेशन का काफ़ी मज़ेदार होता है, और उनको कन्विंस करना कई बार मुश्किल भी हो जाता है। बट अगर वो दवाई लेते हैं तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी फ़र्क आता है, और 1.5-2 महीने में पेशेंट ठीक भी हो जाता है। मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग केस भी शेयर करूँगा। जब मैं अपने फर्स्ट MBBS में फर्स्ट मंथ की पोस्टिंग में था, क्योंकि MBBS ख़त्म करने के बाद साल भर की इंटर्नशिप होती है, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में पोस्टिंग लगती है, तो मेरी ENT में पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे आखिरी दिन था मेरी प्रेजेंटेशन का, और मैंने शिमला से MBBS की है, तो वहाँ पे शाम की दोपहर की OPD थी 2 से 4 बजे की। तो मेरा सीनियर किसी काम की वजह से चला गया और उसने कहा कि मैं 4 बजे आ जाऊँगा, 2-3 केसेज होंगे, तू भी देख लेना। मैं भी बहुत खुश हो गया क्योंकि पहली बार मुझे ये फीलिंग आने वाली थी कि डॉक्टर को फील कैसा होता है। तो मैंने 1-2 पेशेंट देखे और उसके बाद मैंने उनको दवाई लिखी, जो 1-2 दवाइयाँ मुझे आती थी जुकाम के लिए या बुखार के लिए, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद जो 4th पेशेंट आया, उसने मुझे कहा, डॉक्टर साहब आपने मेरा गला चेक कर दीजिए। तो मैंने वो ENT वाला शीशा लगाया और वो उसके बाद यहाँ से रोशनी डाल के बल्ब ऑन करके अंदर उसके मुंह में डाल दिया, वो जो लैरिंगोस्कोप होता है डायरेक्ट करने के लिए। तो पेशेंट शुरू हो गया, आप मेरा ये टॉन्सिल देख लीजिए, मेरा ये देख लीजिए, वो देख लीजिए। थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ इसकी नॉलेज जो है वो मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छी है, तो मैं घबरा गया। मैंने कहा, ऐसा करो, आपको ना लगता है कोई बड़ी बीमारी है, आप रुक जाइए, सीनियर डॉक्टर आएंगे वही देखेंगे। तो जैसे ही वो मेरा सीनियर PG स्टूडेंट आया तो वो बोलता कि अरे राजीव, ये तो फिर वही केस आ गया, हर 2 महीने बाद इसको खांसी होती है, इसको लगता है इसके गले में ट्यूमर है और ये चेक कराने आ जाता है। तो एक्चुअली अब साइकियाट्रिस्ट, जैसे साइकियाट्रिस्ट मुझे समझ आता है कि वो केस हाइपोकॉन्ड्रियासिस का था। तो बेसिकली बीमारी ना हो के पेशेंट के मन में डर होता है कि उसे बहुत बड़ी बीमारी है, जिसके लिए वो बहुत सारी जांचें कराता है बार बार एक ही चीज़ की, या बदलती रहती है जो बीमारी तो किसी और चीज़ की। तो एक बार या कई पेशेंट्स मैंने देखे हैं जिन्होंने 12 बार अल्ट्रासाउंड कराया, 6 बार MRI कराया, 5 बार CT स्कैन कराया, कभी किसी बीमारी के लिए, कभी किसी बीमारी के लिए, और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनकी तसल्ली भी हो जाती है, बट थोड़े दिनों के लिए फिर ये परेशानी शुरू हो जाती है। ऐसा अगर 6 महीने रहता है तो हमारी भाषा में उसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं, और बकायदा मेडिसिन लेने से इसका इसमें फ़ायदा होता है, और इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज पेशेंट जो है मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स को लेकर भी बहुत फंसी होता है। आपको एक दवाई लिखिए, फटाफट जाएगा गूगल पर चेक करेगा, ये साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट है, इतने सारे साइड इफेक्ट उसको याद होंगे जो मुझे भी नहीं पता होंगे। तो इसके लिए फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, फैमिली उसको दवाई खिलाए और उसको समझाए, और 4 से 8 हफ्ते में फ़र्क भी आ जाता है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।